أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم students today is 21st july 2020 and tuesday lecture number 7 and your diary is unit number 3 हम डिस्कस कर रहे हैं लाइफ फंक्शंस के बारे में उसमें हमने जो लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी उनके बारे में थिंक क्रिटिकली फिल इन द ब्लैंक्स प्लस नेम द लिविंग थिंग्स एंड रिकॉल यह हमने वर्कबुक पेज नंबर 33, 35 और 36 करना है यह आप लोगों ने पहले वर्कबुक पे सॉल्व करना है बहुत नीट एंड क्लीन डेटा ने मेंशन करके फिर लर्न करना है तो अब वर्कबुक पेज नंबर 33 ओपन करें अपना थिंक क्रिटिकली व्हाट वुड हैपन इफ वी स्टॉप ग्रोइंग टिल द एज ऑफ 10 मैंने कहा कि अगर हमारी एज 10 है तो उसी एज में हमारे ग्रोथ स्टॉप हो जाए तो क्या होगा If we stop growing till the age of 10, we will be shortened in height. तो obviously हम लोग जो हैं height में छोटे रह जाएंगे और जब height में छोटे रह जाते हैं तो उस condition को हम dwarfism कहते हैं This condition is called dwarfism. इसे dwarfism कहते हैं यानी dwarfism का mean है बोनावन और ये एक ऐसी condition है जिसमें pituitary gland hypothalamus release कर रहा होता है एक ऐसा growth hormone release कर रहा होता है जिसकी वजह से हमारी height increase होती है तो अगर पिचोटरी ग्लैंड जो है वो रिलीज़ नहीं करेगा इस कंडीशन में जब हम 10th एज में होंगे तो हमारी स्टॉप हो जाएगी ग्रोथ जिसकी वजह से हमारी हाइट छोटी रह जाएगी इसके बाद हमारे पास फिल इन दी ब्लैंक्स हैं फिल इन दी ब्लैंक्स वर्कबुक पेज नंबर 35 पे हैं फिल इन दी ब्लैंक्स प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डैश यानी कि प्लांट्स अपनी खुराक किस तरह बनाते हैं यहाँ पे सिर्फ प्लांट्स की बात की है तो प्लांट्स अपनी खुराक जिस प्रोसेस से बनाते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि प्लांट और एनिमल जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं कि वो ऑक्सीजन अंदर लेके जाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर लेके आती हैं इस प्रोसेस को क्या कहेंगे उसका क्या नाम है तो वो सांस लेने के दौरान ही ऐसे करती हैं ना कि ऑक्सीजन अंदर लेके जाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज कर देती हैं तो उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं यानी सांस लेने का अमल एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस यानी एनिमल्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं ये सिर्फ एनिमल्स की बात हो रही है प्लांट की नहीं दिस मूवमेंट इज कॉल्ड डैश इस मूवमेंट को क्या बोलेंगे लोकोमोशन रिफ्लेशिया जो कि प्लांट है और अपनी खुराक खुद नहीं बना सकता इसकी ग्रीन लीव्स नहीं होते इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती है रेफ्लेशिया इज अ डैश तो रेफ्लेशिया क्या है एक प्लांट है जो कि कौन सा पैरासिटिक प्लांट है यानी पैरासाइट है इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू डैश इंसेक्ट्स जो हैं उनके पास नोज नहीं होता है उनके साइड पे बॉडी की साइड पे छोटे छोटे स्ट्राक होते हैं उनसे वो सांस लेते हैं मैंने कहा कि इंसेक्ट्स कैसे सांस लेते हैं ब्रीथ थ्रू स्पाइरिकल्स ये छोटे छोटे जो स्ट्राक हैं उनको हम स्पाइरिकल्स बोलते हैं अ स्नेक्स टंग पिक्स अप जो स्नेक की टंग होती है वो क्या पिक करती है फ्रॉम द एयर एंड ग्राउंड यानी हवा से और ज़मीन से भी हमने रीडिंग में पढ़ा था उसके पास जो स्नेक के पास टंग होती है वो यूज़ करती है केमिकल पार्टिकल्स को पिक करने के लिए नेक्स्ट देखें फिश ब्रीथ थ्रू देयर डैश फिश जो है वो किसके जरिए सांस लेती है तो फिश के पास गिल्स होते हैं जिसके जरिए वो सांस लेती है नेम द लिविंग थिंग अब लिविंग थिंग के नाम लिखने हैं इट कैन प्रोड्यूस अप टू 32 बेबीज एट वन टाइम कौन सा ऐसा लिविंग थिंग है कौन सा एनिमल है जिसके एट अ टाइम 32 बेबीज होते हैं जो 32 बेबीज प्रोड्यूस करता है तो हमने रीडिंग में पढ़ा था माइस यानी चूहिया इट हैज़ 8 लेग्स एंड बिल्ड अ वेब अब इनमें से कौन सा एनिमल है लिविंग थिंग है जिसके 8 लेग्स होती हैं और वो एक वेब बनाती हैं तो हमारे पास है स्पाइडर इट फ्लाइज अबाउट एट नाइट इट हैज़ गुड हेयरिंग कौन सा परिंदा है जिस जो मैमल भी कहलाता है कि वो रात के वक्त ही उड़ता है और इसकी हेयरिंग जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है यानी गुड हेयरिंग होती है तो हमारे पास है बैट यानी चमगादड़ इट ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट स्किन कौन सी लिविंग थिंग जो है उसके मॉइस्ट स्किन होती है और उसी के जरिए ही उसने सांस लेना होता है तो हमारे पास दो हैं फ्रॉग और अर्थवर्म आप इन दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं इट ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा अब स्टोमेटा के जरिए कौन ब्रीथ करता है तो स्टोमेटा सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं क्योंकि उनमें स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते हैं इसलिए हम लिखेंगे प्लांट्स अब देखें इंटरेस्टिंग टू नो द हार्ट ऑफ श्रिम्प इज लोकेटेड इन इट्स हेड जो श्रिम्प है केकड़े
उनका हार्ट कहाँ पे पाया जाता है, कि इसका दिल जो है उसके सर में पाया जाता है। अ स्नेल कैन स्लीप फॉर 3 ईयर्स। स्नेल जो है एक ऐसा एनिमल है जो कि 3 साल तक सो सकता है। स्लग्स है 4 नोज़ेस। स्लग्स के पास 4 नाक होते हैं। एलिफेंट्स आर द ओनली एनिमल्स दैट कांट जंप। सारे ही एनिमल जो है जंप कर सकते हैं, लेकिन एलिफेंट जो है वो वाहद एनिमल है जो कि जंप नहीं कर सकता। बैट्स यानी चमगादड़ जो कि रात को ही बाहर निकलती है। बैट्स ऑलवेज टर्न लेफ्ट व्हेन लीविंग अ केव। केव यानी गार वगैरह, गार बोलते हैं इसे हम। तो कहते हैं कि गार से निकलना होता है जब बैट्स ने, तो वो लेफ्ट साइड को ही टर्न करती है। एन ओस्ट्रिक आइज इज बिगर देन इट्स ब्रेन। यानी ओस्ट्रिक की जो आई है, शुतुरमुर्ग की जो आँख है, उसके ब्रेन से बड़ी होती है। ब्रीकाल में देखें वर्कबुक पेज नंबर 36। लुक एट द एग्जांपल्स बिलो एंड पुट अ टिक इन द बॉक्स। हमें जो नीचे एग्जांपल्स दिए हैं, ऑब्जेक्ट्स के नेम दिए गए हैं वो देखनी है, और इनके सामने हमें बॉक्सेस दिए गए हैं, उनमें हमने टिक या क्रॉस करना है। टिक तब करना है डज दिस लाइव प्रोसेसेस, अगर उनमें वो करेक्टरिस्टिक पाई जाती है तो टिक करेंगे। द फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू, एक जो है उन्होंने खुद किया हुआ है। जैसे ह्यूमन की उन्होंने पहले एग्जाम्पल दी है, तो डज इट मूव, कि ह्यूमन मूव कर सकते हैं, तो जी हम मूव करते हैं, इसलिए यहाँ पे टिक आएगा। डज इट ग्रो, क्या हम ग्रो करते हैं, तो ऑब्वियसली हम ग्रो करते हैं, क्योंकि जब बेबी प्रोड्यूस होता है तो बहुत छोटा होता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी हाइट इंक्रीज होती जाती है। डज इट रिप्रोड्यूस हैव मोर ऑफ इट सेल्फ, क्या ये रिप्रोड्यूस होते हैं, यानी कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो उनकी नस्ल में इजाफा होता जाता है, तो ऑब्वियसली इसका भी होता है, इसलिए टिक है। डज इट ईट एंड ड्रिंक, क्या वो खा पी सकते हैं, तो हाँ जी हम खाते भी हैं और पीते भी हैं, तो टिक आएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास रेनबो। तो रेनबो की उन्होंने हमें एग्जाम्पल दिया है, इसके बारे में पूछे क्या वो मूव करती है। डज इट मूव, नो ये मूव नहीं करती, ये लिविंग थिंग नहीं है। डज इट ग्रो, नो क्रॉस आएगा। डज इट रिप्रोड्यूस, तो ये भी क्रॉस आएगा। क्या वो खाती पीती है। डज इट ईट एंड ड्रिंक, तो नहीं ये ना तो कुछ खाती है ना पीती है, तो क्रॉस आएगा। ऐसे आपने जो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं वो भी आपने खुद सॉल्व करनी है। इसके बाद उन्हें क्वेश्चन हमसे पूछे हुए हैं, विच ऑफ द एग्जाम्पल्स आर लिविंग थिंग्स एंड वाई। अब ये जो ऊपर हमें ऑब्जेक्ट्स दिए गए थे, इनके उन्होंने कहा है कि क्या इनमें से जो एग्जाम्पल्स लिविंग थिंग्स हैं उनके नाम लिखें, और ये भी बताएं कि वो लिविंग थिंग्स हम उन्हें क्यों बोलते हैं। तो नीचे देखें क्वेश्चन में, ह्यूमन, ट्री, कैक्टस एंड कैट, ये चारों जो हैं उन्हें कह के लिविंग थिंग्स, हम कह रहे हैं कि लिविंग थिंग्स हैं, वो क्यों लिविंग थिंग्स हैं। इट इज़ बिकॉज दे मूव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस देयर ओन ऑफस्प्रिंग्स। तो ये ग्रो भी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और अपने ऑफस्प्रिंग्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसलिए लिविंग थिंग्स है। इनमें सारी करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं जो कि हमने पढ़ी थी, 7 करैक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ 3-4 को ही डिस्कस किया है। हमने अपनी रीडिंग में सबको ही डिस्कस किया था, यानी कि लिविंग थिंग्स में ये करैक्टरिस्टिक्स होनी लाजमी होती हैं। अगर ये करैक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग में नहीं होंगी तो वो लिविंग थिंग तो नहीं होगा ना, वो तो नॉन लिविंग थिंग होगी। विच ऑफ द एग्जाम्पल्स आर नॉन लिविंग थिंग्स, वाई। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स हमें इन्होंने दी थी ऊपर टेबल में, यानी कि इनमें से कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स हैं और क्यों। रेनबो, कार, स्पून एंड ग्लास कप आर नॉन लिविंग थिंग्स। ये हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स हैं। वो नॉन लिविंग थिंग्स क्यों हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव द करैक्टरिस्टिक्स, क्योंकि इन सब में कोई भी वो करैक्टरिस्टिक नहीं है जो लिविंग थिंग की होनी चाहिए। नहीं यानी कि ये ना तो मूव करती हैं, ना ये ग्रो करती हैं, ना ये रिप्रोड्यूस करती हैं, इसलिए ये नॉन लिविंग थिंग्स होंगी। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। जजाकल्ला।